वेलकम टू अनदर डे। और आज हमारा डे 6 है और अभी मैं निकल चुका हूँ वापस दिल्ली के लिए। और अभी जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ उसका नाम है अतरौली। तो यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं दिल्ली। हमारी 1000 किलोमीटर कब के कम्प्लीट हो चुके हैं कल ही और वापस चल रहे हैं। अभी का मौसम बहुत बढ़िया है, अर्ली मॉर्निंग 6 AM निकल चुका हूँ मैं। और यहाँ से दिल्ली रह जाता है 140 किलोमीटर। हम चलना चाहिए। तो ये है नेशनल हाईवे 509 और अब हमें यहाँ से मुड़ना है ऊर्जा की तरफ। और ये है छतरिया नाम इसका लोकेशन है। ये यहाँ से मुड़ना है खुर्जा। खुर्जा यहाँ से रह गया है 34 किलोमीटर। मैं देख के बता रहा हूँ, सामने बैनर है। तो 34 किलोमीटर खुर्जा यहाँ से रह गया है, अब हमें मुड़ना चाहिए। तो अभी हम लोग आ रहे हैं इस रूट से और हमें इस रूट पे जाना है। 110 किलोमीटर अभी बाकी है। जारविस अपनी ये खड़ी और यहाँ पे छोटा सा टी स्टॉल है और भैया ने हमें टी ऑफर करी है और गुड डे बिस्कुट भैया की तरफ से है ये। भैया आपका नाम? पंकज। पंकज, नाइस टू मीट यू। माय सेल्फ पंकज लोधी राजपूत। तो हम लोग दोबारा से अब ये नंबर 5 पॉइंट्स है जो हमारे, हम लोग को 5 पंकज भाई मिल चुके हैं, एक संगी। और ये वाले भाई भी हमें मिले थे, इन्होंने बिस्कुट गिफ्ट करा है और इन भाई की तरफ से टी था। मैंने पैसे दिए थे मगर इन भाई ने लिए नहीं और मना कर दिया मुझे कि पैसे मत दो। थैंक यू भैया। तो अभी हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, अब हम लोग वापस से निकल चुके हैं अपनी राइड पे। और हमारे साथ कुछ स्कूल के बच्चे जुड़ चुके हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? प्रांजल सिंह। प्रांजल सिंह। और प्रांजल, यहीं से हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में हो? टेंथ में। अच्छा, नेक्स्ट कोई और आना चाहेगा आगे? अब आप आगे निकल सकते हो या फिर स्लो पीछे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सार्थक सिंह। सार्थक सिंह। और कौन सी क्लास में हो? टेंथ में। आप भी आगे निकल सकते हो। एक एक जना करके आते रहो। और कोई? हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? जतिन सिंह। और कौन सी क्लास में हो? क्लास 10। 10th में हो? सभी लोग 10th के हो। अच्छा, नेक्स्ट कोई और आना चाहेगा? हाँ जी, आपका नाम? मनीष। कौन सी क्लास में हो? 9th। ठीक है, और आगे बढ़ो। आपका नाम क्या है? ऋषभ। कौन सी क्लास में? 9th। ठीक है, नेक्स्ट। आपका नाम? डिम्पल। कौन सी क्लास में? 12th में। और चलो, एक सीनियर मिला है इनका कोई। आपका नाम? विष्णु। कौन सी क्लास में? 8th में। तो ये लोग सभी 10th और इनमें से एक इनका सीनियर था जो 12th में है। और मिलकर अच्छा लगा इन लोगों ने हमसे पूछा, थैंक यू। तो अभी हम लोग फोटो लेंगे यहाँ पर और अच्छा लगता है, जैसे स्कूल टाइम अपना याद आता है जो हम लोग भी स्कूल में जाया करते थे। क्योंकि अब तो बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, समथिंग 7 ईयर्स या 8 ईयर्स हो गए हैं कंप्लीट करे स्टडी को। मिलते हैं। सनराइज हो चुका है। तो अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से दिल्ली, समथिंग 105 किलोमीटर है। और भैया जी मिल चुके हैं, ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। बताइए भी अपने बारे में। मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, गंगोत्री पहले भी हो चुका हूँ, केदारनाथ वगैरह, अब गंगोत्री जा रहा हूँ। और इस चीज़ से मुझे सुकून मिलता है और पैसा अपनी जगह है, इंजॉय अपनी जगह है। बाद में आदमी लाइफ पैसा कमा लेता है मगर लाइफ नहीं जी पाता, तो मैं लाइफ जीना चाहता हूँ और पैसा तो ईश्वर दे ही देगा। थैंक यू। मिलके भैया से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भैया का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा।
जितनी भी ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे से ज़्यादा भी ने ट्रैवल कर रखा है अदर अदर स्टेट में, तो आप जाइए इनके चैनल पे, विजिट करिए और भैया की वीडियोस को प्यार दीजिए। तो यहाँ से हम लोग अब आ रहे हैं, खुर्जा की साइड आ गए हैं। यहाँ से अब 95 किलोमीटर समथिंग रह गया है डेली हमारा, तो 95 किलोमीटर रह गया है और अभी हम हाईवे पे हैं। थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, 10-5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, थोड़ा सा थकावट की भी होगी और अभी तक का जर्नी मस्त है। तो आज जो मौसम है वो बेहतरीन हो रहा है, धूप ना के बराबर है, मौसम अच्छा है तो साइकिल भी अच्छी चल रही है, अच्छी खासी स्पीड मिल रही है और यहाँ पे यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पे, थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ रहा है वरना तो हम साइड में ही चलते हैं अपने। तो अब दिल्ली रह गया है यहाँ से 65 किलोमीटर एंड आज मौसम बहुत बढ़िया रहा, भगवान की दुआ है, ऊपर वाले की थोड़ी सी मेहरबानी है कि मौसम बहुत अच्छा है, वरना कल तो बहुत ज़्यादा हीट थी, समथिंग 38 टेम्परेचर था और कल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी मेरी। अब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे 10-5 मिनट का, जब 60 किलोमीटर रह जाएंगे समथिंग। तो हमें इस रूट से जाना है और नेक्स्ट वाला वो जो है वो सिकंदराबाद 2 किलोमीटर, दौनकौर 21 किलोमीटर और जेवर रह जाता है वहाँ से 45 किलोमीटर। तो हमें इस रूट से निकलना है, देन चलते हैं आगे। हो रहा पहला टूर और पहला टूर पार किया है, अब हम लोग रेस्ट लेंगे, यहाँ से समथिंग 50 किलोमीटर समथिंग और रह गया है, तो हम लोग आगे चलेंगे फिर दिल्ली में थोड़ा सा रेस्ट मिलते हैं हम लोग। सही वाली धूप भी स्टार्ट हो गई है अब दिल्ली, 40 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। अब थोड़ा सा फील हो रहा है, भूख लग रही है, तो अब भूख भी लग रही है, अब रुक के लंच करेंगे। मैं सोच रहा हूँ 40 किलोमीटर रहे हैं, थोड़ा सा दिल्ली टच हो जाए जब भी करो और अब कर लेंगे आगे करने के लिए। तो अभी हम लोग आ रहे हैं दादरी की रूट से और यहाँ से नोएडा समथिंग 17 से 18 किलोमीटर रह गया है, अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच में आज नान खाने का मन था इसीलिए मैंने नान थोड़ा सा देखा था खाना स्टार्ट किया। तो हमारा पहला पंचर हुआ है, अब इसमें कील घुस गई है, ये रही इसके अंदर कील घुस गई है, बहुत ज़्यादा मोटी है, अब इसे पंचर लगाना पड़ेगा भाई फटाफट। तो हम लोगों ने पंचर लगा लिया है, वहाँ से मुझे हटना पड़ा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे आके वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अब पंचर निकल चुका है हमारा, ट्यूब डाल दी हमने एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ट्यूब लेके चले थे, अब चलते हैं यहाँ से। तो पंप से हवा भरी नहीं जा रही थी क्योंकि पंप हीट कर रहा था, तो फिर मैं पेट्रोल पंप पे आया और अपनी हवा भरी, वाल लगा के अटैच करा, और इन भाई ने एक्स्ट्रा वाल दिया था जो साइकिलिंग में अटैच होता है, इस भाई ने और इन वाले भैया ने मदद करी थी, से आए भैया सभी का दिल से धन्यवाद, इन भाइयों का धन्यवाद। तो यहाँ से दिल्ली रह गया है सिर्फ अब 20 किलोमीटर और रास्ते में मेरा पंचर हो गया था इसीलिए दिक्कत हो रही थी, और सामने है प्लेन, ये खड़ा हवाई जहाज, चलो हवाई जहाज से कहाँ जाना, कहाँ जाना हवाई जहाज से, सीधा में जाना है दिल्ली, दिल्ली के लिए। हाँ दिल्ली के लिए रूट। तो अभी मैंने एक
गलत रूट ले लिया था जिसकी वजह से मेरे 4 किलोमीटर बढ़ गए हैं, उसी को क्लियर कर रहे हैं हम लोग। और भैया जी मिले हैं, ये अतरौली से हैं। भाई को मैं जानता हूं, बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा सभी लोगों से। ठीक है, मैं पता ही है आप लोगों के पीछे क्या हुआ था अभी। तो यहाँ से दिल्ली रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर। और देखो ये भाई घोड़ा भगा के लाए हैं, ये घोड़ा भगा के ला रहे हैं सिर्फ देखने के लिए। ओके भाई, थैंक यू। ये लोग घोड़ा भगा के लाए मुझसे बात करने के लिए। मैंने कि भाई आराम से, अच्छा लगा इतनी तेज घोड़ा भगा के लाए लोग बात करने के लिए। थैंक यू सभी का भाई। वेलकम टू दिल्ली। और हम लोगों ने दिल्ली बॉर्डर के अंदर एंट्री कर दी है, हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं अभी। तो अभी हम लोग दिल्ली में एंट्री ले चुके हैं, मज़ा आया अभी तक की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।